नाउ इन दिस लेक्चर वील टेक द फॉर्म जिसमें वी हैव साइन रेज़ टू पावर एम एक्स डी एक्स या कॉस रेज़ टू पावर एम एक्स डी एक्स या साइन रेज़ टू पावर एम एक्स डी इंटू कॉस रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स. बट इसमें क्या होगा, एम और एन वुड बी नेचुरल नंबर्स एंड एम एंड एन आर बोथ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स. अर्लियर जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें एम और एन जो है, अगर ये केस था क्या था, ऑड था, ये भी ऑड था, और इन दोनों में एटलीस्ट वन ऑफ देम वाज ऑड. तो इस केस में क्या होगा, इसमें एम और एन दोनों इवन होंगे. इन दिस केस वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय रिमूविंग द पावर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केसेस में जहां हमारे पावर्स दोनों इवन होंगे, या साइन रेज़ टू पावर इवन पावर है एक्स या कॉस रेज़ टू पावर इवन पावर है एक्स, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, या तो डबल एंगल, या दीज आर डबल एंगल फॉर्मूलेस और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस. कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही हमने यूज किया यहाँ पे. इसी तरह साइन 3x का फॉर्मूला और कॉस 3x का फॉर्मूला, मतलब हमें कहीं भी कॉस क्यूब को हटाना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन क्यूब को हटाना होगा तो ये करेंगे, कॉस स्क्वायर को रिमूव करना होगा तो ये करेंगे, और साइन स्क्वायर को रिमूव करना है तो ये करेंगे. तो इसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से वी हैव साइन रेज टू पावर, और अदर फर्स्ट वी टेक कॉस, कॉस रेज टू पावर 4x dx. Now, ये पावर इवन है, तो वॉट वी डू इज वी कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. और कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे खत्म करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 होल स्क्वायर डी एक्स, और एक्सपैंड कर देंगे इसको 1 अपॉन 4 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x डी एक्स. नाउ यहाँ पर फिर हमें कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो वील अगेन यूज दिस आइडेंटिटी. अब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, तो अगर यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ क्या होगा, 4x हो जाएगा. तो वील हैव 1 अपॉन 4 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 dx. ये आर यूजिंग द सेम आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा 1 बाय 8 इफ वी टेक द एलसीएम एंड वील हैव 2, यहाँ पे 2 आएगा और प्लस 1, दिस गिव्स अस 3 प्लस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x dx एंड इंडिविजुअली वी कैन इंटीग्रेट ईच ऑफ देम. तो 3 बाहर 1 का x प्लस 4 बाहर कॉस 2x का साइन 2x बाय 2 एंड कॉस 4x का साइन 4x बाय 4 एंड वी हैव 1 बाय 8 आउटसाइड. लेट्स से दिस इज 1 बाय 8 प्लस c. This is quite easy. Let's say we have sine raised to power 6x dx. So power even hai. So what we'll do is we'll convert this into sine square x ki power 3, or we can also use sine cube x ki power 2. Now which one is better for us? Ab sine square x को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है मतलब क्यूब करना पड़ेगा एंड फिर जो पावर जाएंगे उनको फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज अ लिटिल टीडियस. तो कौन सा बेटर रहेगा, हम ये वाला यूज करें. तो वील राइट साइन क्यूब एक्स एज, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन क्यूब एक्स को हमने कैसे कन्वर्ट किया था, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 का होल स्क्वायर, तो 16 बाहर, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वील यूज, तो दिस वुड बी 9 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन x साइन 3x dx. अब हमें यहाँ स्क्वायर्स दिख रहे हैं और स्क्वायर्स को कैसे रिमूव करना है वो हम ऊपर देख ही चुके हैं, तो आई कैन राइट 1 बाय 16 9 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 एंड यहां पे 1 माइनस कॉस
टू एक्स, नाउ एक्स इज वॉट, थ्री एक्स, ये हो गया सिक्स एक्स बाई टू, एंड यहाँ पे क्या हुआ, वी कैन राइट दिस एज थ्री इंटू टू साइन एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स. तो वॉट विल यूज इज, हमें पता है टू साइन सी साइन डी कैन बी रिटन एज कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी. तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन सिक्सटीन एंड वी टेक टू एलसीएम, तो यहाँ पे इंटू टू बाहर आ जाएगा एंड वील हैव नाइन माइनस नाइन कॉस टू एक्स प्लस वन माइनस कॉस सिक्स एक्स, एंड टू यहाँ आएगा तो माइनस ऑफ सिक्स, एंड इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी डी एक्स. तो दिस इज वन अपॉन 32, दिस इज नाइन माइनस नाइन एंड वन टेन, दिस कैन बी रिप्लेस्ड नाइन प्लस वन टेन माइनस नाइन कॉस टू एक्स माइनस कॉस सिक्स एक्स माइनस सिक्स कॉस टू एक्स प्लस सिक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स. तो इफ वी कैन क्लब द लाइक टर्म्स टुगेदर, तो ये हो गया टेन कॉस टू एक्स इधर है और यहाँ, यानी माइनस फिफ्टीन कॉस टू एक्स माइनस कॉस सिक्स एक्स प्लस सिक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स. इंडिविजुअली सबका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दीज आर स्टैंडर्ड, टेन बाहर वन का एक्स माइनस फिफ्टीन कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू, कॉस सिक्स एक्स का साइन सिक्स एक्स बाई सिक्स, एंड सिक्स साइन फोर एक्स बाय फोर, एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो जब पावर्स इवन होंगे तो वील कन्वर्ट देम इंटू स्क्वेयर या क्यूब और फिर उसकी पावर रेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा मेथड इजी. अब इस यहाँ पे हमने पहले साइन क्यूब कन्वर्ट करके साइन क्यूब से साइन स्क्वायर लिया है, अर्लियर क्वेश्चन में हमने स्क्वायर करा एंड स्क्वायर के बाद स्क्वायर करा. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से नाउ, तो अब हम लोग थर्ड केस लेंगे वेयर साइन और कॉस दोनों है. लेट्स से साइन रेस टू पावर, वी हैव साइन रेस टू पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स. तो साइन रेस टू पावर एम एक्स कॉस रेस टू पावर एन एक्स है, वेर एम एन एन दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और इवन है. वॉट वी डू इज, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करके इन पावर्स को रिड्यूस करना है. तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, एंड कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. नाउ दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इन टू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू होल स्क्वायर डी एक्स. नाउ दिस वुड बी फोर एंड टू एट बाहर, वन माइनस कॉस टू एक्स, एंड वॉट डू वी गेट इन साइड, वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स एंड प्लस टू कॉस टू एक्स. ठीक है, तो लेट्स लेट्स सी दिस. तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, बेसिकली हमको क्या करना है, पावर्स को कंटिन्यूसली रिड्यूस करना है. तो जहां भी हमें पावर टू दिखेगा साइन या कॉस में हम डबल एंगल यूज करेंगे, क्यूब दिखेगा तो हम ट्रिपल एंगल यूज करेंगे. वी कैन राइट दिस एज वन प्लस, अगेन यहाँ पे हमें स्क्वायर दिख रहा है, वील कन्वर्ट दिस अगेन एज वन प्लस कॉस दिस टाइम फोर एक्स बाय टू प्लस टू कॉस टू एक्स डी एक्स. तो इफ वी टेक दी एलसीएम तो क्या हो जाएगा, वन बाय सिक्सटीन वन माइनस कॉस टू एक्स इन टू टू प्लस वन प्लस कॉस फोर एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स डी एक्स. इफ वी मल्टीप्लाई टर्म बाय टर्म तो क्या आएगा, टू प्लस वन थ्री प्लस कॉस फोर एक्स प्लस फोर कॉस टू एक्स, देन कॉस टू एक्स विल बी मल्टीप्लाइड टू माइनस
cos 2x प्लस cos 4x इंटू cos 2x विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन एंड माइनस 4 cos² 2x dx। बट यहाँ पे फिर हमें पावर 2 दिख गया, तो 1/16 क्लब द लाइक टर्म्स टुगेदर, 4 cos यहाँ पर है तो दिस इज cos 4x एंड दिस इज 4 cos 2x एंड 3 cos 2x यानी प्लस cos 2x। नाउ इन दिस प्लेस यहाँ भी cos c इंटू cos d का फॉर्म दिख रहा है, तो वी कैन गिव इट 2 जिससे फॉर्म पूरा हो जाए, एंड यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज 4 × 1 + cos 4x/2, डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया, तो 2 × 2 गेट्स कैंसल्ड एंड वी नो cos 2 cos c cos d कैन बी रिटन एज cos c + d + cos c - d। तो अब हम वैल्यूज फटाफट लिख दें, 3 + cos 4x + cos 2x माइनस दिस इज cos c + d विच इज cos 6x एंड cos c - d cos 2x / 2 एंड दिस इज 2 - 2 cos 4x dx। तो दिस कैन बी रिटन एज, इफ वी टेक 2 LCM, तो 1/32 वी हैव 6 + 2 cos 4x 2 cos 2x - cos 6x - cos 2x -4 - 4 cos 4x dx। नाउ क्लब द लाइक टर्म्स टुगेदर, 6 - 4 is 2 एंड 2 cos 4x एंड -4 cos 2x यानी -2 cos 4x, देन cos 2x एंड यहाँ भी cos 2x यानी +cos 2x -cos 6x। नाउ दिस कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म, तो 2 × 1 1 का हो गया x, -2 sin 4x/4 + sin 2x/2 एंड sin 6x/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन जैसे क्वेश्चंस में जिसमें साइन रेज टू पावर इवन पावर है x, या कॉस रेज टू पावर इवन पावर है x, या साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है विद इवन पावर्स एंड m एंड n आर नॉट इक्वल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यूज आइडेंटिटीज एंड कन्वर्ट देम और रादर रिड्यूस द पावर्स बाय यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस टू गेट रिड ऑफ पावर्स अल्टीमेटली, और पूरा एक्सप्रेशन फिर हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देते हैं।